हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शमाइल है, आप लोग देख रहे हैं वाई टेक न्यूज। स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो। आज मैं करूंगा कंप्लीट कंपैरिजन Honor 20 का सैमसंग गैलेक्सी A51 से, और आपको बताऊंगा इन दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट है, कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। तो हमेशा की तरह 5 मिनट का कंपेरिजन किया है मैंने, बिल्ड क्वालिटी, स्क्रीन, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी और जो अदर स्पेसिफिकेशन आपको वीडियो में आगे जाके बताता रहूंगा। सबसे पहले बात करूं दोनों की बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों में आपको बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा डिफरेंट मिलती है। सैमसंग गैलेक्सी A51 में आपको टोटली प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी मिलती है और Honor 20 में आपको टोटली टॉप नॉच फ्लैगशिप बिल्ड क्वालिटी मिलती है। Honor 20 में आपको फ्रंट एंड बैक ग्लास मिलता है और जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का है। तो यहां पर आपको जो बिल्ड क्वालिटी है, जो इन हैंड फील है, वो काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो वन ऑफ द बेस्ट जो है बिल्ड क्वालिटी है सैमसंग Honor 20 में। तो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी Honor 20 विन करता है। लेकिन अगर बात करूं दोनों के डिजाइन की, तो सैमसंग गैलेक्सी A51 में आपको बहुत ही ऑसम डिजाइन देखने को मिलता है। पीछे की तरफ एल शेप में जो है वो कैमरे देखने को मिलते हैं 4, देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, ग्लॉसी लगता है। और सामने की तरफ जो है वो आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 जैसा डिजाइन मिलता है, बीच में जो है वो एक पंच होल कैमरा है। तो ऑल इन ऑल जो डिजाइन है सैमसंग गैलेक्सी A51 का काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर बात करूं Honor 20 के डिजाइन की, तो ये वाहिद पहला फोन है जिसमें जो आपको होल पंच डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पर आपको साइड पे होल पंच डिस्प्ले मिला था और यहाँ पर आपको जो है वो ऑल इन ऑल डिजाइन है वो काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है Honor की तरफ से। Honor 20 में जो डिजाइन है वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। लेकिन ऑल इन ऑल अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करें तो सैमसंग गैलेक्सी A51 का डिजाइन थोड़ा ज्यादा बेटर है, थोड़ा ज्यादा न्यू और रिफ्रेशिंग है। तो अगर बात करूं दोनों की स्क्रीन की, तो Honor 20 में आपको 6.26 इंच का डिस्प्ले मिलता है। ये एक IPS HD पैनल है, यहाँ पर आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का मिलता है। कलर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, जो पैनल की क्वालिटी है, जो IPS HD पैनल की क्वालिटी है, काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कैमरा डिस्प्ले है। और यहाँ पर आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो साइड माउंटेड मिलता है, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर है। अगर आप कंपेयर करो किसी भी फिंगरप्रिंट सेंसर से, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर है। जैसे ही आप हल्की सी स्क्रीन सिर्फ फिंगर से हल्का सा टच करते हैं वो फौरन ही ऑन हो जाता है, और ऊपर से इसका प्रोसेसर भी इसको काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन मैं बात करूं सैमसंग गैलेक्सी A51 की, तो वहां पर आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है। ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन पे है। तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो कलर्स वैसे ही बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है। इन डिस्प्ले में सेंसर मिलता है जो कि इतना फास्ट और न्यू है Honor 20 जैसा, लेकिन एक न्यू चीज है, न्यू इन्वेंशन है, देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऑल इन ऑल डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले यहां पर आपको सैमसंग गैलेक्सी A51 में ज्यादा बेहतर मिलता है। अब मैं बात करूं दोनों की परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस दोनों की काफी ज्यादा डिफरेंट है। यहां पर Honor 20 सैमसंग गैलेक्सी A51 को बहुत ही ज्यादा पीछे छोड़ देता है। Honor 20 में आपको किरण का 980 का सिस्टम मिलता है, जो कि इनका फ्लैगशिप चिपसेट है, और यहां पर आपको जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज्यादा स्मूथ मिलती है। और ये परफॉर्मेंस आपको अगले 2 साल तक के लिए स्मूथ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो चिपसेट है वो किसी भी हैवी से हैवी गेम को अगले 2 साल के लिए फुल HD रेजोल्यूशन पे चला सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो पबजी है, पबजी आप 2 साल के लिए फुल उस पर खेल सकते हो। लेकिन अगर बात करूं सैमसंग गैलेक्सी A51 की, तो वहां पर आपको एक्सिनोस, इनका खुद का एक्सिनोस 9611 का चिपसेट मिलता है, जो कि एक मिड रेंज चिपसेट है, जिसका जो एंटीटू बेंचमार्क स्कोर है वो 1,55,000 है। तो यहाँ पर आपको जो गेमिंग वगैरह है वो इतनी अच्छी नहीं कर पाओगे। आप पबजी को जो है आप मीडियम सेटिंग में खेल सकते हो, उससे ज्यादा अल्ट्रा हाई सेटिंग पे नहीं खेल सकते। अगर खेलना चाहोगे तो आपको जो है काफी ज्यादा लैग देखने को मिलेगा। तो ऑल इन ऑल जो सैमसंग गैलेक्सी A51 का परफॉर्मेंस है वो डे टू डे यूज में तो इतना पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप गेमिंग करने जाओगे तो आपको हो सकता है इतनी अच्छी गेमिंग ना मिले जितनी आप इस प्राइस के फोन से एक्सपेक्ट करते हो। तो Honor 20 जो है बहुत ही ज्यादा आगे है परफॉर्मेंस में, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब मैं बात करूं दोनों के कैमरा की, तो कैमरा भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोनों में। सबसे पहले बात करूं सैमसंग गैलेक्सी A51 की, तो वहां पर आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे मिलते हैं। मेन कैमरा 48 का है, सेकेंडरी कैमरा 12 का है, वाइड एंगल मोड है, थर्ड कैमरा जो है वो आपका टेलीफोटो लेंस है 5 का, और फोर कैमरा जो है 5 का डेप्थ सेंसर है। तो यहाँ पर आपको जो कैमरा क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, लो लाइट में काफी ज्यादा अच्छा कैमरा काम करता है, और ऑल इन ऑल जो कैमरा क्वालिटी है काफी ज्यादा अच्छी, अल्ट्रा वाइड एंगल मोड भी काफी ज्यादा अच्छा है 12 का है, तो ज्यादा क्वालिटी गिराता नहीं है, वो क्वालिटी बैलेंस रखता है। तो
तो ओरिजिनल जो कैमरा क्वालिटी है सैमसंग की 15 की अच्छी है, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करता हूँ Honor 20 से तो वहां पर आपको जो है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कैमरा मिलता है। यहाँ पर आपको 48 MP का मेन कैप सेंसर मिलता है। ये जो है ये वाकई ही वाहिद जो है यहाँ पर आपको 48 MP की ओरिजिनल इमेज प्रोवाइड करता है। 16 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 2 MP का डेप्थ सेंसर है और 2 MP का ही मैक्रो कैमरा है। यहाँ पर जो कैमरा क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है Honor 20 की। यहाँ पर आपको लो लाइट में बिल्कुल मैजिकल इमेज मिलती है, बिल्कुल डार्क में भी आपकी जो कैमरा रिजल्ट है काफी ज्यादा अच्छे आते हैं। तो लो लाइट फोटोग्राफी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और जो वाइड एंगल मोड है उसमें भी आपको जो है लो लाइट कैमरा देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। 16 MP का वाइड एंगल मोड है तो वाइड एंगल मोड आपका जो है काफी ज्यादा अच्छा काम करता है। तो ऑल जो कैमरा क्वालिटी और स्लो मोशन भी आपको काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, काफी ज्यादा स्लो देखने को मिलता है। तो Honor 20 का जो कैमरा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, फीचर्स से भरा हुआ है और यहाँ पर आपको एक टॉप नॉच फ्लैगशिप लेवल का कैमरा दिया गया है जो कि इस प्राइसिंग में आपको हर ब्रांड नहीं दे सकता। तो अगर मैं बात करूं कैमरा की तो Honor 20 यहाँ पर विन करता है। मैं बात करूं सेल्फी की तो यहाँ पर आपको 32 MP सेल्फी मिलती है सैमसंग Galaxy 51 में जो कि मोर देन इनफ है आई थिंक अगर आप सेल्फी लवर है। और Honor 20 में आपको 20 MP सेल्फी मिलती है जो कि वो भी अच्छी है। अगर आप दोनों कंपेयर करते हो सेल्फी को तो आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं बात करूं दोनों की बैटरी की तो Honor 20 में आपको 3750 mAh की बैटरी मिलती है और यहाँ पर आपको 23 W का फास्ट चार्जर मिलता है जो कि काफी ज्यादा फास्ट है और USB Type-C का पोर्ट मिलता है। तो ऑल इन ऑल बैटरी के साइड से भी Honor 20 जो है काफी ज्यादा अच्छा है। मैं बात करूं सैमसंग Galaxy 51 की तो वहां पर आपको थोड़ी ज्यादा बैटरी मिलती है 4000 mAh की, लेकिन यहाँ पर आपको जो चार्जर मिलता है वो 15 W है जो काफी कम है अगर आप कंपेयर करते हो तो ज्यादा फास्ट चार्जिंग करता है Honor 20। तो ऑल इन ऑल अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको बैटरी वाली साइड से भी Honor 20 ज्यादा जो है वो क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ज्यादा फास्ट चार्जिंग मिलती है। तो ये आपके ऊपर 4000 mAh बैटरी पर 3750 mAh बैटरी पर जाते हो ज्यादा दोनों फर्क नहीं है। अब कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, देखिए अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए अच्छा कैमरा चाहिए तो आप जो है Honor 20 की तरफ जाएं क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अमेजिंग कैमरा मिलता है, बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस मिलती है। लेकिन अगर आप जो है न्यू रिफ्रेशिंग डिजाइन पे जाते हो, अगर आप सुपर एमोलेड डिस्प्ले पे जाते हो, अगर आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर पे जाते हो तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 आपके लिए अच्छा है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा फोन लेते हो, मेरे ख्याल में Honor 20 यहाँ पर विन करता है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।